सो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ पंबन रेलवे स्टेशन पे। और पंबन के नाम से आपको याद आ गया होगा कि यह पंबन ब्रिज का नाम है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज है। दोस्तों, ये है भारत का सबसे पुराना और सबसे डेंजरस रेल ब्रिज। इसको पंबन ब्रिज बोलते हैं, जो कि रामेश्वरम आयरलैंड को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। इसको 24 फरवरी 1914 में खोला गया था। 2010 में बांद्रा बोरीवली सी लिंक खुलने से पहले ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज हुआ करता था। बाकी इसके बीच में देख सकते हो आप, डबल वेस्कुलर सेक्शन लगा हुआ है, जो कि शिप को निकालने में मदद करता है। मतलब खुल जाता है ये पूरा और शिप नीचे से निकल जाती है। पर 1988 से पहले ये एकमात्र जरिया था, जो कि तमिलनाडु के लोगों को रामेश्वरम आयरलैंड के साथ जोड़ता था। उसके बाद ये पुल, रोड वाला पुल बन गया। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। और आज हम यात्रा करेंगे भारत के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक रेल ब्रिज के ऊपर से, जिसको पंबन ब्रिज बोलते हैं। और दोस्तों, इस झलक को देखने के लिए ना जाने मैं कितनी दूर से और कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आ गया यहाँ पे समुंदर के बीच में इस सीन को शूट करने के लिए। बाकी देखिए हमारे लोको पायलट्स द्वारा हमारी खूबसूरत इंडियन रेल कैसे धड़ाधड़ वही आ रही है। और ये सीन देखने में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी आप भी इसको इंजॉय करिए। फ्रेंड्स, लाइक दिस ब्लॉग, आप सभी को ब्लॉग आए डोडू ब्लॉगिंग, यू आर इन ब्लॉग। चलो। सो दोस्तों, देख सकते हो आ चुका हूँ मैं डायरेक्ट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है ट्रेन नंबर 16852 बोट मेल एक्सप्रेस से, जो कि रामेश्वरम और चेन्नई के बीच में चलती है। दोस्तों, जो हमारी ये बोट मेल है ना, इसका एक अलग ही इतिहास है। अगर बात करें 1900 के दशक में, तो जो अपनी बोट मेल थी ये श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करती थी। रेल सी रेल ऑपरेशन हुआ करता था। वो कैसे हुआ करता था, जो चेन्नई के लोग थे वो चला करते थे इस ट्रेन से, चेन्नई से टिकट लेते थे, रामेश्वरम उतरते, रामेश्वरम से एक फेरी चला करती थी एंड वो उनको श्रीलंका पहुँचाती थी। तो यही अपनी बोट मेल की थोड़ी सी हिस्ट्री। बाकी ये अपनी बोर्ड मेल के साथ लगा है WDM-3A का लोकोमोटिव, जो कि इसको पुल करने वाला है। देखिए दोस्तों, अब जो अपनी बोट मेल है ये सिर्फ रामेश्वरम तक ही आती है। अगर आपको श्रीलंका जाना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आपको वीज़ा भी चाहिए। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन है ना, ये हर दिन चलती है। चलने का टाइम इसका 5:25 पे ये रामेश्वरम से निकलती है। 665 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 6:45 पे चेन्नई इग्मोर पहुँचाती है। और आज हम यात्रा करने वाले हैं थर्ड एसी में एंड ये अपना कोच कम एंड ये अपने भाई हैं। व्हाट्स योर नेम? फाजिल। फाजिल, फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम रामनाथपुरम। एंड यू कमिंग फ्रॉम? कमिंग फ्रॉम रामनाथपुरम। ओके। नाउ वेयर आर यू गोइंग? रिटर्न टू रामनाथपुरम। ओके। तो भाई ने वीडियो बनाया। ओके ब्रो, बाय। सो चलते हैं अभी अपने कोच में। सो ऐसा कुछ इंटीरियर है हमारी थर्ड एसी का। सो दोस्तों, ये अपनी बर्थ 55। तो खोल लेते हैं इसको। टी सब अंकल से पी लेते हैं चाय, उसके बाद हम डिपार्चर देखते हैं। डिपार्चर टाइम भी हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। कितने की? 10 रुपीज़। ओके।
दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो 25 मिनट हो रहे हैं और अपनी ट्रेन है जो वो रवाना कर चुकी है रामेश्वरम से। देखिए, वाह क्या व्यू है यार, देखिए। ये सामने लगी है रामेश्वरम कन्याकुमारी, रामेश्वरम से चलकर कन्याकुमारी को जाने वाली। देखिए रामेश्वरम से डिपार्चर। क्या कर्म दे रही है भाई अपनी ट्रेन, ऐसा कर्म कभी कभार ही देखने को मिलता है यार। वाह सो दोस्तों, रामेश्वर से लगभग 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बोटमेल एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है पंबन रेलवे स्टेशन पे। PVM इसका स्टेशन कोड है, एक मिनट का हॉल्ट है और जो इंतज़ार की घड़ियां थी ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी आप देखने वाले हैं वो डेंजरस सफ़र जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, तो काफ़ी मतलब बढ़िया लगेगा। शाम का मौसम हो चुका है, पूरा जो हमारा सन है वो सेट होने की तदार में है। बाय। लो भाई खूबसूरत सफरनामा देखिए, वाह बाकी ये सामने देख रहे हो ये रोड ब्रिज है जो कि गाड़ियों के लिए खोला गया था, एंड जब ये ब्रिज नहीं हुआ करता था तो यही ब्रिज एक था जो कि चेन्नई के लोगों को या तमिलनाडु के लोगों को पंबन आइलैंड के साथ जोड़ता था। बाकी हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं यार यहाँ पे, एंड जो पानी का कलर है देखिए कितना ज़्यादा ब्लू हो चुका है भाई, डार्क ब्लू। पंबन
मंत्री बाकी ये जो ब्रिज है ये कैंटिलीवर ब्रिज है ब्रिज। ये देख सकते हो ये जो पोर्शन है ये खुल भी जाता है जहाजों के लिए। डबल लीफ वेस्क्यूल है, डबल लीफ वेस्क्यूल है ये और खुल भी जाता है भाई। जब जहाज निकलते हैं ना इसके नीचे से गुजर जाते हैं जहाज बड़े बड़े, जैसे नेवी के शिप हो गए, कुछ भी हो गया बड़ा जहाज। देखिए भाई वाह, दोस्तों ये जो ब्रिज है ना इसके ऊपर आना एक रेल फैन का सपना होता है, हर एक रेल फैन इस ब्रिज के ऊपर आना चाहता है। अगर आप इस ब्रिज को देख लेते हो ना तो भाई, अगर आप रेल फैन नहीं भी हो तो ये ब्रिज इतना अट्रैक्टिव है और ये आपको रेल फैन बना देगा, मतलब कि मजबूर कर देगा आपको रेल फैनिंग के लिए। बाकी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो इस ब्रिज पर ज़रूर आइए, आपका मन खुश हो जाएगा भाई इसको देखकर। इतना प्यारा और इतना अच्छा सफ़र है ये, खतरनाक भी है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली हमें। बाकी ये सामने देख रहे हो आप, ये बन रहा है दूसरा पम्बन ब्रिज, ये भी रेल ब्रिज बन रहा है। यानी कि अब ये जो लाइन है ना ये डबल लाइन बनने के लिए जा रही है। वाह यार इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। कितना गहरा समुंदर होगा जिसमें ये ब्रिज का ब्रिज बनाया जा रहा है। देखिए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, यू कैन सी दिस। और क्या आपको पता है इस ब्रिज के ऊपर जो ट्रेन की लिमिट रहती है, स्पीड लिमिट रहती है, वो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही रहती है। और पहले ये ब्रिज मीटर गेज का हुआ करता था, अब हाल ही में ब्रॉड गेज हुआ था ये। भाई देखो नीचे का व्यू देखो, वाह। बाकी दोस्तों ये जो रेल ब्रिज है ये काफ़ी लंबा रेल ब्रिज है भाई, बहुत लंबा है ये। अगर इसकी लंबाई की फीट्स में बात करें तो 6776 फीट इसकी लंबाई होगी, अगर मीटर्स में देखें तो 2065 मीटर लंबा होगा। स्पैम्स की बात करें तो 4144 स्पैम्स में यूज़ किए गए हैं। बाकी सिंगल रूट है ये, दूसरा रूट दूसरी साइड बन रहा है वो मैं आपको दिखा दिया है। बाकी कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1911 में और एंड हुआ था 1914 में, और 1915 में ये स्टार्ट हो गया था, मतलब कि ट्रेनें ब्रिज पे चलना स्टार्ट हो गई थी। बाकी बहुत ही खूबसूरत है यार, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है भाई इस ब्रिज की यार। Thank you.
क्या जाते हैं यार कोच में अभी 55 या 55 ओके सो दोस्तों रामेश्वरम से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी बोट मिल एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे जो अपना मंडपम। दोस्तों यही वो स्थान है मंडपम जो कि एक जगह है एंड यही मंडपम से हमारा जो पंबन ब्रिज है वो स्टार्ट होता है। बाकी देखिए मंडपम से डिपार्चर 1 मिनट के हॉल्ट के बाद राइट टाइम पर चल रही है हमारी बोट मेल एक्सप्रेस। मंडपम बाकी यार अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम, सोने का इंतज़ाम कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम पूरी दिन भाई, आज पंबन ब्रिज हो गया, रामेश्वरम हो गया, वो सब घूमते रहें। बाकी एक शॉर्ट ब्लॉग आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगा आपको रामेश्वरम जो तीर्थ स्थान अपना। बाकी चलिए चद्दर वद्र डाल लेते हैं और सोने का प्रबंध करते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा स्टेशन को कवर करेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे भाई। क्या है चाय? रेड 80 रुपये। अच्छी है ना? अच्छी है। खाना होगा? खाना चपाती, चपाती चना मसाला। हाँ चपाती चना मसाला, ओनली चपाती चना। कितने की प्लेट? 60 रुपये। ले आओ। बाकी दोस्तों जो हमारी ट्रेन है इसमें पैंट्री कार नहीं है, ऑन बोर्ड और ई कैटरिंग है। ई कैटरिंग तो चेन्नई मोर में मिलेगी एंड इसलिए हमने भैया से ले लिया खाना। खाने में ये चना है एंड ये चपाती है, ठीक है 60 रुपये का पड़ा है। 3 चपाती है इसमें, देखो गरम गरम लग रहा है। तो बता देते हैं आपको टेस्ट करके कि कैसा है भाई। ठीक है नॉर्मल एवरेज है, खा सकते हो आप। बाकी दोस्तों रामेश्वरम से 113 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हमारी बोट मेल एक्सप्रेस ने और पहुंच चुके अपने 5th हॉल्ट पे जो अपना मेन मदुरई जंक्शन। बाकी यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का और ये जंक्शन इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन अभी टर्न हो जाएगी। सीधी लाइन जाती है मदुरई जंक्शन को और एक जाती है काराकुडी को जिस रूट पर हमारी ट्रेन जाएगी और एक और जाती है डूंगर कुछ ऐसा नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत टफ नेम है। बाकी कुछ खाने के लिए लेते हैं, जो अभी खाना खाया उसे कुछ बना ही नहीं भाई। 3 रोटी थी और वो भी कच्ची रोटी थी, पता नहीं यार कैसी रोटी बनाती हैं ये लोग। है ना, व्हाट इज दिस? देखिए डिपार्चर दोस्तों 5 मिनट का हॉल्ट था लेकिन रुकी हुई थी यार अपनी गाड़ी यहाँ पे, सिर्फ 2 मिनट ही रुकी होगी बीच के क्योंकि लेट चल रही है ना भाई। खाना खाने के बाद ये केक देखो 15 रुपये का केक, अच्छा भाई। तो भाई अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, सीधा आपको सुबह मिलते हैं ठीक है। ये कर्टन बंद हो। सो इस टाइम देख सकते हो 6:38 हो रहे हैं एंड बाहर देखिए हमारा खूबसूरत सा चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन और भाई सारे यात्री उतर गए और मैं अकेला रह गया, अब उठाऊँ मैं जाके। बाकी दोस्तों देखिए 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी थी हमारी ट्रेन देखिए, और पंबन ब्रिज की यात्रा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है। मिलेंगे आपको एक और नई ब्यूटीफुल यात्रा के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें और भाई वीडियो को लाइक कर दो ठीक है। बाय बाय।